अब तक आपने जब कभी भी ईडी का नाम सुना होगा, ईडी वही प्रवर्तन निदेशालय जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, तो आपके जहन में एक बात आ रहा होगा, बड़े बड़े भ्रष्ट नेता, बड़े अधिकारी या सफेदपोश। लेकिन रुके महाशय, इसकी दूसरी तस्वीर भी है। अब तक आपने ये सुना होगा, जिस तरह से आपने देखा है कि लगातार जो है पॉलिटिकल पार्टियां ईडी पर आरोप लगाते आए हैं, लेकिन ईडी की दूसरी पहलू भी है और वो दूसरी पहलू आपको भी जानना चाहिए। दरअसल ये दूसरी पहलू ये है कि जब से ईडी ने भ्रष्ट अधिकारियों पर, भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है गरीब मजलूम दबी कुछ लोग जो हैं वो अब ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं। और वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उनकी जो है फरियाद या फिर उनकी जो भी समस्या है या उनका कोई ज़मीन है जो कब्जा कर लिया जा रहा है अवैध रूप से, उनको वो वापस मिल सके। क्या उम्मीद लेकर आप पहुंचे? हम तो यही उम्मीद किए हैं कि यहाँ जो अभी तक नहीं सुनवाई हुआ यहाँ से हो जाए, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जमीन का मैटर है सर। कहाँ का जमीन? बरियातू नया टोली का। क्या क्या हुआ था आपके साथ जमीन से रिलेटेड? जमीन से रिलेटेड क्या मतलब, जहाँ जहाँ कंप्लेन दिए कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसके मैटर में दिए हैं, तो गलत किया गया। आई होप कि हो जा, उम्मीद तो बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं। आपका ईडी खुद से आई है या फिर आपको कोई? नहीं नहीं, अपने मन से आए हैं। नहीं नहीं, अपने मन से आए हैं। क्या हुआ है, मामला क्या है जो आप ईडी लेकर आए हैं? मामला ये है कि मैंने हमारा जमीन को जो सो मैंने अपना ले लिया है जमीन को। कहाँ कहाँ शिकायत की है आप कभी? कोर्ट में किए हैं, यहाँ किए हैं, पंचायत में किए हैं। सुनवाई है? कोई सुनवाई अभी नहीं हुआ है। और क्या बोलते हैं, ब्लॉक में किए हैं, ब्लॉक में बोलता है, हम लोग ब्लॉक से खरीदे हैं, बोल देता है। ये मामला चल रहा है? हो गया 15-20 वर्ष से चल रहा है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। जी सर, हम लोग ईडी दफ्तर अभी गए थे, वहाँ से आश्वासन दिया गया है कि आप लिखित आप आवेदन जमा कीजिए सारा डॉक्यूमेंट्स को करते हुए, और उस पर जाँच होगी, अगर सच्चाई दिखेगा तो ईडी अपनी जांच प्रारंभ करेगी। किनसे मिले आप, कौन थे अंदर? अभी सीआईएसएफ के जो सीनियर चीफ थे, उन्होंने सिक्योरिटी चीफ, उन्होंने ये बात कहा कि आप लिखित रूप से जमा कीजिए, ईडी दफ्तर उसी के लिए बैठा हुआ है और सारा कार्रवाई उसी प्रोसेस से हो रहा है। आज आम जनता का सुनवाई हो रहा है, इसलिए लोग यहाँ आ रहे हैं, आप भी उसमें से एक हैं, और आप भी अपना लिखित बयान कीजिए, वहाँ जमा कीजिए। तो कल हम लोगों ने कल का तय किया है कि लिखित रूप से अपना वहाँ पे जमा करें, और उसके आधार पे एक पावती वहाँ से मिलेगा, उसके बाद जैसे जैसे कार्रवाई किया जाएगा वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ के माध्यम से या फिर सूचित किया जाएगा। कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है यहाँ से? जैसा देखने में तो लगा अभी तक, जैसा अभी कार्रवाई चल रहा है, अगर सबके सामने मामला, आम जनता के सामने कोई दर्द आएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगा। ईडी अपना कार्य सही से कर रही है, अगर सारे विभाग इस तरह कार्रवाई करते तो शायद मे भी आज ईडी के पास आने की आवश्यकता नहीं थी। अब चूंकि यहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं वो अपनी फरियाद लेकर ईडी दफ्तर पहुँच रहे हैं, तो आपके जहन में ये भी बात अब आनी शुरू होगी कि नहीं, ईडी मतलब ये नहीं कि सिर्फ भ्रष्ट नेताओं का जो है यहाँ पर इलाज होता है, बल्कि यहाँ पर दबे कुचले लोगों की समस्याओं का हल भी किया जाता है। और हल किया जाता है इसलिए यहाँ पे जो है, जो गरीब है, जिनका जमीन अवैध रूप से कब्जा कर लिया जा रहा है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in